नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। दिल्ली एनसीआर में आज भी सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। इस बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में इस साल भले ही मानसून ने देर से दस्तक दी हो, लेकिन इसने 46 साल में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड बनाया है। 46 साल पहले 1975 में दिल्ली में 1150 mm बारिश दर्ज की गई थी, जबकि इस मानसून सीजन में यहां पर 1100 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले 2003 में मानसून में 1050 mm बारिश हुई थी और अभी मानसून खत्म नहीं हुआ। ऐसे में इस साल और भी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को भी दिल्ली एनसीआर में हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और यूपी के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होगी। वहीं दिल्ली के मधु विहार में बारिश के बाद कैसा हाल है, इस वीडियो के जरिए देखिए। शुक्रवार रात से ही भारी बारिश के चलते इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर पानी भर गया। यहां खड़े विमान के पहिए पानी में डूब गए हैं। एयरपोर्ट से 4 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल फ्लाइट जयपुर और अहमदाबाद की तरफ डाइवर्ट की गई है। क्या हो रहा, स्टॉप क्यों हो रही है? दिल्ली में जुलाई 13 को मानसून की एंट्री हुई। ये 19 साल की सबसे देरी से पहुंचा। इसके बावजूद यहां 16 दिन बारिश हुई, जो 4 साल में सबसे ज्यादा है। अगस्त में सिर्फ 10 दिन बारिश हुई, जो 7 साल में सबसे कम है। वहीं सितंबर में अब तक 248.9 mm बारिश हो चुकी है, जबकि आमतौर पर दिल्ली में सितंबर में 129.8 mm बारिश होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।